अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके हम कुछ ऐसे कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपसे शेयर कर सकें जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने वॉल्यूम में इजाफा करते हुए दिखाई देते हैं और हम एक पैसिव इनकम गेन करने का मौका हासिल कर पाते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं डोज कॉइन के बारे में बहुत ही अहम मालूमात कि क्या डोज कॉइन इस वक्त न्यू इन्वेस्टर को इतना फ़ायदा दे सकता है जितनी के मार्केट में उसकी हाइट क्रिएट हो चुकी है। क्या इसका कोई हकीकत से ताल्लुक है? अगर है भी तो क्या हमें इस मौके को यूटिलाइज़ करना चाहिए? इस पर दोस्तों बहुत ही अहम गुफ्तगू आपसे होगी। यकीनन ये कॉइन अभी हमें बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। आज हम अगर इसे सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। सो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हमें इस वक्त कंप्लेन कर रहे थे कि उनको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो दोस्तों इसका एक ही हल है, सारा कुछ अप्लाई करने के बाद सब्सक्राइब का बटन, ऑल का बटन, फिर भी अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो आप एक काम कर सकते हैं, आपने YouTube की सर्च बार में जाकर जस्ट आपने अल मक्का टेक बाय उस्मान हुसैन लिखना है, अल मक्का टेक उस्मान या उस्मान हुसैन क्रिप्टो, तो आपको हमारी उसी वक्त लेटेस्ट वीडियो मौसूल हो जाएगी। होता क्या है, आजकल इंटरनेट सर्विस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जिन एरियाज़ में भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही होती है वहाँ पे इंटरनेट सर्विस फ़ौरन बंद कर दी जाती है, तो उस वजह से हमारे काफ़ी व्यूवर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो इसका बेस्ट हाल यही है कि हमारी ऑफिशियल टाइमिंग पर अगर आपको वीडियो ना मिले तो आप उसे खुद सर्च कर सकते हैं। सो गाइस, अब जल्दी से बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। कल रात से लेकर अब तक मार्केट $3 बिलियन का अप एंड डाउन हमें दिखा रही है। सो इसमें BTC डोमिनेंस और ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, और BTC का अगर हम अपडेट देखें तो BTC कल रात से लेकर अब तक $350-$300 के दरमियान अप एंड डाउन कर रहा है। BTC की दोस्तों टोटल रिकवरी यहाँ पर हुई है सिर्फ $250 की, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि इसने अपनी सपोर्ट को बेटर किया है, रेजिस्टेंस इसकी कोई खास बेहतर नहीं हो सकी। और अगर बात करें इथेरियम की तो इथेरियम अभी $1600 में एक से दो बार एंटर करने की अपने आप को गलती कर चुका है, लेकिन वहाँ पर स्टे नहीं कर सका। वहाँ पर अगर ये स्टे कर लेता तो मार्केट की सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। सो दोस्तों, जो मैं आपसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करता हूँ वीडियो के लास्ट में, वो आपके लिए, जो भी हमारे दोस्त BTC और इथेरियम में किसी भी किस्म की ट्रेड करते हैं, मान लें कि स्पॉट ट्रेडिंग, इवन के फ्यूचर ट्रेडिंग, तो उनके लिए हमारी वीडियो का वो पोर्शन बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको उसकी नेक्स्ट 5 to 12 और की ट्रेड दी जाती है। सो गाइस, आगाज़ करते हैं BNB का। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल हमसे BNB की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताने में मिसिंग हुई थी, यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिकवरी हो गई है। BNB की दोस्तों मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दी थी 317 से 345, यानी कि 317 to 345। अब मैं आपको दोस्तों सपोर्ट का क्लोजेस्ट ट्रेन भी बताता हूँ कि कहाँ एंट्री लेनी है। तो BNB की दोस्तों 321 तक की जो फाइन एंट्री थी वो बनती थी, तो BNB ने 323 से 334 तक का हाई लगाया, मतलब $11 की हमें इस दरमियान ट्रेड मिली। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बिहेव कर रहा है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं फिर से। और अब की मार्केट में हमारा जो टारगेट होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अतबार से वो है दोस्तों 319 से लेकर 340। अब ये जो क्राइटेरिया है, कल $27 का था, आज मैंने इसे कम करके $21 कर दिया है। तो क्लोजेस्ट जो ट्रेड बनेगी BNB की वो बनती है दोस्तों 223। सो आप इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक BNB को इग्नोर मत कीजिएगा। इस मार्केट का ये एक समझ लें कि डायमंड जेम बन गया है। XRP कल रात से लेके अब तक जो रिकवर कर चुका है, XRP की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हमें इस पर सेपरेट वीडियो दें कि जी ये बहुत सुना है आगे जा सकता है। तो दोस्तों जैसे मौका मिलेगा, कोई अच्छी न्यूज़ होगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल ये 1 से 2 सेंट की ट्रेड कर रहा है, इवनिंग में या मिड नाइट में ये 44 सेंट पर आ जाता है, और दिन में हम क्या देखते हैं ये 46 तक मोस्टली ट्रेड दे देता है। अगर आप इंतहाई कम मुनाफा अर्न करना चाहते हैं तो इसे इग्नोर मत। मिडनाइट वीडियो में डोज कॉइन की मैंने आपको जो बाइंग आपको ऑन द स्पॉट बताई थी वो थी 0.1260, क्योंकि इसने ऑलरेडी हमें 1160 से 1260 का हाई दिया, और उसके बाद जो मैंने आपको दोबारा बाइंग की बात की वो थी 1260, यानी कि 0.1260। आफ्टर दैट इसने क्या हाई लगाया वो आपके सामने है, यानी कि पहले ये लो में चला गया 0.1150 पे, ये दिन का आगाज था, उसके बाद
यहाँ पर आपकी बाइंग जो थी वो लो में चली गई, माइनस में, और फिर इसने 0.1474 का हाई लगाया, यानी कि तकरीबन अगर आपने 25, 50 या 100 डॉलर तक की भी यहाँ पर ट्रेड की थी तो इसने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। इवन के जो दोस्त 25 डॉलर की भी इसमें बाइंग कर चुके थे उन्होंने 25 डॉलर के साथ यहाँ पर 8 से 10 डॉलर अर्न किए, और 100 डॉलर वाले की ऑलमोस्ट यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेड हो गई। सो गाइज, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने पहले से इसे बाय कर रखा है, जिन पे यानी कि मेरी ख्याल से जब ये पंप करता था तो 25-28 सेंट तक का हाई लगा कर आता था, आफ्टर दैट एक साल गुजर गया इसके अंदर कोई पंप नहीं आया। और रिसेंटली मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि डोज कॉइन के साथ साथ कौन से कॉइन पंप कर सकते हैं, तो उसमें एक कॉइन शिबा इनू भी था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, डोज और शिबा एक साथ पंप कर रही हैं, मार्केट क्रैश करती है ऑब्वियसली ये भी क्रैश करता है, लेकिन पीछे से इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा आ रही है, इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि दुनिया इसमें तेज़ी से पैसा डाल रही है। पहले मैं आपको ये रीज़न बता दूं कि अभी तक एलन मस्क की जानब से कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई इस कॉइन को लेकर कि वो इसको किसी पेमेंट मेथड में ऐड करने लगा है, ठीक है, वन थिंग। सेकंड थिंग, ये सिर्फ अज खुद पंप कर रहा है क्योंकि दुनिया पैसा लगा रही है ट्विटर की खबर सुनने के बाद। ये एक इन्वेस्टर की एक अजीब नेचर है, वो खबरें सुनते ही पहले से ही बाय करके बैठ जाता है। खैर, ये हमें प्रॉफिट दे रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने पहले बाय कर रखा है अभी उनका प्रॉफिट जो है वो करीब 25 सेंट के बाद जाके आना शुरू होगा। लेकिन आपके पास एक मौका है यहाँ पे अर्निंग करने का, आपकी वाकई ही लॉटरी भी लग सकती है, ये लॉटरी जैसा ही है, तो आप इसमें ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। मैक्सिमम 3 एंट्री कीजिएगा 100 डॉलर की, या 3 एंट्री 30-30-30 या 30-30-40 डॉलर की करके लो इसका क्या बनता है। अभी तो फिलहाल ये 30% पंप हुआ है, आज और कल रात की फेडरल मीटिंग के मुकम्मल रिजल्ट आने के बाद ये थोड़ा लो करेगा, ये 10 सेंट तक जा सकता है दोस्तों, ठीक है। एक काम आप कर सकते हैं, एक एंट्री आप अभी लेके रखें और बाकी दो क्रैश करने के बाद, आफ्टर दैट जब ये रिकवरी देगा आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन सिर्फ इन दिनों के लिए। नेक्स्ट इसकी क्या सूरत हाल होगी वो मैं आने वाले वक्तों के साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। यहाँ पर गाइस, कार्डानो की सेम सूरत हाल है, ये भी XRP की तरह रात को 40-39 सेंट पर चला जाता है, सुबह 41 पे आ जाता है। अब बात करते हैं सोलाना की। यहाँ पर गाइस, हमारे जो सिग्नल्स थे अब उनका सेशन शुरू होता है, और मैं आपको बताता हूँ कि करीब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 सिग्नल जो थे हमारे कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होकर सेल भी हुए हैं, और जो स्टक रहे यानी कि जिनमें हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा, बस अभी मुझे 3 से 4 शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जो तीसरा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले बात कर लेते हैं सोलाना की। गाइस, सोलाना हमने बाय करना था 32.25 पे, 32.25 पे, और इसने हमें लो दिया 32.32 का, मतलब 6 से 7 सेंट का फ़र्क आपने बाइंग की है डेफिनेटली, ठीक है। ये मैं आपको हमेशा हर वीडियो में लेसन देता हूँ। हाई इसका रहा दोस्तों 33.22, तो इसके मुताबिक क्या हुआ, आपको 90 सेंट की ट्रेड मिली है, 90 सेंट की, यानी कि करीब 1 डॉलर की। अब दोबारा से रिपीट आप सोलाना को यूज़ कर सकते हैं, अब की मार्केट में आप इसे 32.50 पे यूज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अगर क्रैश होता है तो हमने सेकंड बाइंग भी करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि फेड मीटिंग का जो प्रेशर है वो मार्केट में कभी भी आ सकता है, याद रखिएगा। अभी मार्केट ने क्या किया है, फेड मीटिंग के प्रेशर को थोड़ा सा ओवरकम किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉलीगॉन मैटिक की बात करते हैं। गाइस, इसे हमने बाय करना था 88 सेंट पे रात के सिग्नल के मुताबिक, तो इसने 88 का लो लगाया, 88.98 का, ठीक है, यानी कि 88 में ये एंटर हो गया था। फिर ये सुबह हाई लगा कर आया है 9004 का, यहाँ पर मैटिक भी आपको ट्रेड दे गया। दोबारा से हम इसे यूटिलाइज करेंगे 0.88 में, ठीक है। इसके आगे अगर 10 भी हो 40 भी हो उसकी कोई परवाह ना कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों डॉट की। डॉट की फिलहाल सूरत हाल वही है, शिबा इनू को जिस तरह मैंने 4011 पे डे फर्स्ट पे पंपिंग की बात की थी गाइस, तो अगर आपने यहाँ पर इसे सेव कर रखा है तो अभी वेट कर लें थोड़ा सा, ये आपको 4013.50 का हाई तो डेफिनेटली दे सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एवेक्स का हमारा जो पहला सिग्नल था वो अचीव नहीं हुआ, यानी कि बाइंग ही नहीं हुई, तो 18.83 का इसने लो लगाया, हमने बाइंग करनी थी एवेक्स की 18.45। दोस्तों ये बड़ा ब्लंटली मतलब पागलों की तरह यहाँ पर ये पंप कर रहा है, ठीक है। इसका इस तरह पंप करना मार्केट के स्टॉक होने में उतना ही यहाँ पर हमें एक दावत भी देता है कि ये क्रैश भी कर सकता है, तो क्रैश हमारे जेन में होना चाहिए, हम इसे फिलहाल अभी इग्नोर कर देंगे। अगर आप शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं करंट प्राइस पे आप इसकी ट्रेड लेंगे और एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पर बारी आती है यूनिस्वैप की। दो सेशन में हम स्ट्रक दिखाई दिए, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लूँ, और हमारी जो बाइंग थी पहले से जो स्टक थी 6.95 की, 6.95 की,
तो यूनिस्वैप ने आज हाई लगाया 7.33 का, तो हमें इसने 38 सेंट की ट्रेड दे दी। ये यानी कि ये हुआ कि हमारा जो दो सेशन प्रॉफिट नहीं आ सका, हम ऑलरेडी लो सेट कर बैठे थे, हमारी प्रॉफिट क्लियर हो गई। यूनिस्वैप का दोस्तों सिग्नल एक हिट रहा, इससे दो सेशन लगे क्लियर होने में। दोबारा हम यूनिस्वैप को बाय करेंगे 6.90 पे, उससे पहले नहीं। करंट ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ऑटम को हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं लेकिन बाय नहीं कर रहे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली हमारी जो ऑडियंस है वो इसमें से निकली है, तो इसका जो 14.40 का लेवल था ना, वो इसकी लास्ट स्ट्रेंथ थी, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं बन पा रहा है। LTC की भी फिलहाल वही सूरत हाल है और चेन लिंक की भी। ETC ने आज दोस्तों हाई लगाने की कोशिश की करीब 24.76 की, लेकिन ये रेजिस्ट नहीं कर पाया क्योंकि इथेरियम 1605 से आगे जाकर रेजिस्ट नहीं कर पाया, तो ये भी नहीं करेगा, जाहिर बात है। इथेरियम अभी यहाँ पर 1635 पे जाता है, तो ये इजीली, फिर मैं रिपीट कर दूँ, $27-28 की हमें ट्रेड दे सकता है। XMR शाम को $2 कम हो जाता है, दिन को प्लस। अगर आप $2 डेली अर्न करना चाहते हैं, सिर्फ आज के दो सेशन की बात कर रहा हूँ, तो आप इसे 146 टू 149 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल 4 सेंट के इजाफे के साथ BCH की बात करते हैं। गाइस, BCH ने आज लो लगाया 114 का और 116 का हाई, और इसके दरमियान $2 की ट्रेड हुई है। अभी भी BCH अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लेकिन हमारी सेकेंड बाइंग यहाँ पर पोटेंशियल वाइज रहेगी 111, वो हम अभी जो है यूटिलाइज कर नहीं पा रहे। अगर आप इसमें मज़ीद, जिनमें से आप में से किसी दोस्त ने भी अगर BCH यूज़ नहीं किया, तो आज आप क्या करेंगे, आप इसे 113.85 पे 113.85 पे बाय करके 115.60 पर सेल कर सकते हैं। फ्लो और उसके बाद दोस्तों फिल की सेम सूरत हाल है। आज के दिन हम देख रहे हैं टेरा लूना क्लासिक भी स्टक हुआ है, क्योंकि मार्केट इंप्रूव हुई है तो ये गिरा है। अब बात करते हैं दोस्तों ICP की। ICP के हमारे दोस्तों के पास कॉइन मौजूद था 5.10 का, ICP ने आज हाई दिया है 5.40 का, तो 30 सेंट की ICP हमें ट्रेड दे गया, ठीक है। अब ICP दोबारा यूटिलाइज हो सकता है 5.15 पे। अगर मार्केट क्रैश करती है, याद रखिएगा, ये 4.60 तक का लो लगा सकता है। 4.60 पे अपनी दूसरी बाइंग ना छोड़िएगा, कोई भी ट्रेड करनी हो उसमें अपना इंतज़ाम रखें दूसरी बाइंग का। आज के दिन दोस्तों चांस है सैंड बॉक्स के, जैसे कि सैंड बॉक्स हमें पिछले दिनों 2.50 सेंट की ट्रेड दे के गया है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर मार्केट अभी क्रैश नहीं करती, तो फेडरल रिपोर्ट के बाद सैंड बॉक्स वाहिद कॉइन होगा जो $1 तक ज़रूर जाएगा, अपनी खोई हुई जो इसकी रेपुटेशन है उसे क्लियर करने के लिए। HT की बात करते हैं गाइस, 8.45 पे हमने बाय करना था, हो चुका है। HT मतलब के हुबाई ग्लोबल का अपना टोकन, तो इसने हाई लगाया है 8.65 का, 20 सेंट की फिर ट्रेड दे गया। आज हम इसे यूटिलाइज करेंगे 8.35 पे, ठीक है। ये कंटिन्यूसली दोस्तों हमें ट्रेड दे रहे हैं। अब बात करते हैं AAAE की। ये भी दोस्तों सोलाना के बाद आज पंप हुआ है, मतलब दो सेशन हमें इसने कुछ नहीं दिया। आज AAAE की हमारी ट्रेड क्या रही वो मैं आपसे शेयर करता हूँ गाइस। AAAE ने दोस्तों लो लगा दिया था आज का 82.90 का, हमारे पास इसकी बाइंग पड़ी हुई थी 84.10 की, 84.10 की, तो हाई लगाया इसने 85.80 का, 85.80 का, तो ये हमें ट्रेड दे के गया है 1.70 की, $1.70 की एक कॉइन 12 घंटों के दरमियान। तो दोस्तों अब जाहिर बात है हमारे पास 84.10 की जो बाइंग थी वो थोड़ी हमें भारी पड़ गई, तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं 83.90 पे, 83.90, या मिनिमम थोड़ा सा और लो कर लें 83.70 तक की भी इसकी सपोर्ट बन रही है। आप चाहें तो आप जाकर खुद से भी एजुकेशन के तौर पे इसे स्टडी कर सकते हैं फर्दर डिटेल में। दोस्तों अब यहाँ पर अगला कोई पॉइंट बढ़ा है, तो वो APT दोबारा वापस आ रहा है गेनिंग की लिस्ट में। आज आप APT को 8.10 पे बाय करके 8.30-35 पे निकल सकते हैं, ये भी इसकी आज की सपोर्ट है, जस्ट आज की। KCS की दोस्तों हमारी दोबारा बाइंग हो गई है, ठीक है। ये हमारा 8वां कॉइन है, हालांकि मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे 7 एग्जीक्यूट हुए हैं, लेकिन यहाँ लाइव में जो डाटा शो हो रहा है मुझे लैपटॉप पर भी और मोबाइल पर भी, तो वो कुछ और आ रहा है, ठीक है। लैपटॉप पर दोस्तों इस वक्त जो प्राइस आ रहे हैं उसमें इंक्रीजमेंट हुई है। अब बात करते हैं KCS, तो हमें प्रॉफिट दे गया दोस्तों। KCS दोबारा यूटिलाइज होगा 9.95 पे, 9.95 पर, या फिर 25 सेंट की ट्रेड देगा। अगर आपने KCS को यूटिलाइज करना है, आप इसकी एक्सचेंज पे जाके करेंगे, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और OKB का भी यही हाल है गाइस। OKB हमने बाय करना था 16.10 पर, इसने क्या किया आज वो मैं बताता हूँ। 16.10 का लो लगाया, अभी आप OKX एक्सचेंज पे जाएं, जाकर देखें 16.10 का लो लगा परफेक्टली एक्यूरेटली, और हाई लगा 16.71 का, 16.71 का,
तो इसने हमें ट्रेड दी 61 सेंट की। हालांकि ये 15 डॉलर के साथ, 16 डॉलर के साथ 60 सेंट कुछ नहीं है, लेकिन 100 डॉलर के साथ आपके 3-4 डॉलर बन गए। और 1000 डॉलर की अगर आप करते हैं ट्रेड तो फिर ये आपको एक अच्छी ट्रेड दे देता है। लेकिन OKB BNB की तरह एक नेटिव टोकन है, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और रिकवरी का लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, अब किसी भी कॉइन में अब कोई पंप नहीं आ रहा। ई कैश भी प्रॉफिट तो नहीं दे रहा, लेकिन लॉस भी नहीं दे रहा। पैनकेक स्वैप का एक सिग्नल था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दिस इज़ द थर्ड वन जो एग्जीक्यूट नहीं हो सका, लेकिन हम पैनकेक स्वैप को इग्नोर नहीं करेंगे। 4.40 पे, 4.40 पे ये हम यूटिलाइज करेंगे और लाजम करेंगे, क्योंकि ये 5-5.5 डॉलर तक हाई लगा सकता है। सो गाइज, आज आपसे मैं आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ कि देखें, TWT ट्रस्ट वॉलेट का टोकन 1.23 पे पहुंच गया है। अमेजिंगली जिन्होंने भी इसे 92 पे बाई किया था, देखें उनकी यहाँ पे अच्छी खासी चांदी हो गई। तो TWT को आइंदा हमने लो पे तो दोस्तों इसके आने का वेट करना पड़ेगा। अभी पंप पे मैं आपको एजुकेशन ही यही प्रोवाइड करता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में क्रिप्टो की मार्केट में पंप होती मार्केट में कभी ना जाएं। अब मार्केट अभी थोड़ी खुशहाल हुई है, थोड़ी सी माइनर सी, तो हमें लगे कि जी हम TWT को भी ले लें। यकीन करें, मैं गारंटी देता हूँ ये TWT टूटने वाला है, अनकरीब टूटने वाला है। तो इसकी बाइंग असल में कुछ और है, तो हम वेट करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर अब एक लॉन्ग स्ट्रक है मार्केट में, और ओस्मो पंप करेगा लाजम, जिसकी मैंने रात को आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। और BNX की अभी कोई सूरत हाल नहीं बन रही। CBX दोस्तों आज बाय हो चुका है 5.08 पे, ठीक है, 5.08 पे, और अभी हमें 5.26 पे आप एग्जिट कर दें या फिर 5.10 का लो लगाए, फिर बाय कर लें CBX को। और अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, कल रात से लेके अब तक BTC की 200 डॉलर की जो रेजिस्टेंस है वो बेहतर हुई है, और सपोर्ट में भी तकरीबन इतना ही इजाफा हुआ है। यानी कि कल रात इसकी सपोर्ट बन चुकी थी 20,287, अब है 20,580, तो ये तकरीबन 280 डॉलर तक इसकी सपोर्ट बेहतर हुई है। जो दोस्तों कोई भी एक्सपर्ट हो वो हमेशा सपोर्ट को देखता है कि इसकी सपोर्ट कितनी मजबूत है। सो ये करीब 20,580 से 3-4 बार रिटर्न हो चुका है, फाइन एग्जाम्पल। और रेजिस्टेंस थोड़ी वीक है, मतलब 67 डॉलर, अब 67 डॉलर दोस्तों कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। मेरे नज़दीक दोनों में गैप होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 500 डॉलर का। और अगर आप पास्ट में ट्रेड कर रहे थे, अगर आप बिगनर हैं फिर तो आपको नहीं पता होगा, पास्ट में किसी टाइम पे इन दोनों के दरमियान 1500 डॉलर का फ़र्क होता था। आप सोचें 1500 डॉलर का फ़र्क कितनी ट्रेड देता होगा और मार्केट कितनी हेल्दी होती होगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम जब तक साथ हैं आने वाले वक्तों में मार्केट हमें बहुत ट्रेड देने वाली है, आने वाले वक्तों में, अभी की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप लो पर ट्रेड करना आज सीख जाएंगे, जो अभी लो चल रही है, तो यकीनन जब मार्केट पंप होगी आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ एक भी कॉइन आपको लॉस नहीं देगा, फ़ायदा देगा। आपकी लक है कि आपने मार्केट को लो पर देख लिया। हाई पर तो कईयों ने देखा होगा, लो पर अब हाई वाले देख कर परेशान होंगे कि यार काश हम इस मार्केट में बाइंग कर पाते। खैर, अब बात करते हैं दोस्तों कि अब जो नई कैंडल ने जन्म लिया है मार्केट में, ठीक है, ये लास्ट दो जो हैं, सेकंड लास्ट टू, ये कल रात की हैं, मतलब कि एक है कल की, एक उसके बाद की। फुल डे में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पर कैंडल बन रही है दोस्तों, दोनों साइड से उसका प्राइस ओपन है। क्यों? मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाती है, डाउन भी करती है। बढ़ते हैं बिहाइंड द स्क्रीन के लिए 4 आवर की कैंडल चार्ट पे। वैसे 1 मिनट की कैंडल भी होती है, ठीक है। अब वो 1 मिनट की कैंडल को स्टडी बहुत कोई उस्ताद आदमी करता है दोस्तों, बहुत उस्ताद। और वो जो 1 मिनट की कैंडल के ज़रिए ट्रेड करता है वो अमेजिंग है। एनीवे, बढ़ते हैं, हम देख रहे हैं दोस्तों कि सुबह की जो कैंडल थी वो दरमियान में हमें क्या रंग दे रही है, कि जस्ट वो हमें तकरीबन बीरिश की टाइम लाइन दे रही है, ठीक है। अब ये दरमियान में जो दो कैंडल थी उसका कोई फ़ायदा नहीं बना। अब बुलिश क्या बनी? एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग मार्केट को दोबारा 200 डॉलर वहीं पे ला के खड़ा कर दिया जहाँ पे कल इस टाइम पे मार्केट थी। सो कुछ ज़्यादा डिफरेंट तजिया नहीं होगा, लेकिन कुछ पॉइंट अहम डिफरेंट होंगे। मार्केट दोस्तों 20,650 पर आती है तो सेफ हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि हम इस वक्त सेफ होने की जोन से सिर्फ 53 डॉलर दूर हैं, 53 डॉलर। उसके बाद अल्ट कॉइन में अगर अमेजिंग हमें अगर बूस्ट चाहिए तो उसके लिए 20,900 पे मार्केट का आज की टाइमिंग और इसकी रिकवरी के मुताबिक 45 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए। 45 मिनट मार्केट वहाँ पर रेजिस्ट कर जाती है 21,000
300 तक का हाई मुझे देखने को मिल रहा है अगर ये लेवल एग्जैक्टली पूरे करते हैं। लेकिन यही कैंडल जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ब्लिंक हो रही है, एकदम से उसने क्या किया है वीडियो के दरमियान ही वो क्रैश में चली गई है। तो क्रैश कितना आ सकता है मैं बता देता हूँ आज के 12 आवर में, नेक्स्ट का क्या होगा वो बात की बात है। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि फ्रेंड मीटिंग का आज पहला सेशन होना है, भूलिएगा मत। उस पहले सेशन का मुख्तलिफ किस्म का पंप एंड डंप आएगा। अच्छा यहाँ पर अब डाउन की बात करते हैं दोस्तों, तो मार्केट की वीकर जोन है 20,299, 20,299 इसकी क्रैशिंग जोन बन जाएगी। यही वीकर है और यही क्रैशिंग है। 299 पे इसका 45 मिनट का स्टे, सिर्फ 45 मिनट का, मार्केट को 20,050 तक लेकर जा सकता है। सो मैं आपसे कहूँगा कि आप लो पे ट्रेड करें, लो पे ट्रेड करें। किन में? एवेक्स में बहुत तेज़ ट्रेड कर रहा है दोस्तों पीएनबी, बीएनबी जितनी तेज़ी से डाउन कर रहा है उतनी तेज़ी से रिकवर कर रहा है। तो एवेक्स, बीएनबी, ये बीटीसी के साथ आज मूव हो रहा है और इसके साथ हम ऐड करेंगे सोलाना को। एवेक्स, बीएनबी, सोलाना, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस यहाँ पे इथेरियम ने भी रिकवरी की है अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। कल रात तक इसकी सपोर्ट थी 215, 1555 और इस वक्त इसकी सपोर्ट है 1588, यानी कि दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो करीब 25 से 27 डॉलर का इजाफा हुआ है सपोर्ट के अंदर। यहाँ पर एक अहम चीज़ है दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट ने आज 1600 में एंट्री की, 16 में, लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसमें स्टे कर पाती। कल तो फिर भी 1630 पे गई थी। ये जो अभी आप अब देख रहे हैं यहाँ पर, ये अपग्रेड अभी नहीं हुआ। मेरे पास फ्रेश एनालिसिस मौजूद हैं। 1604, 1605 पे मार्केट गई, 1605, 1604, लेकिन रेजिस्टेंस एक कोई खास ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल बेकार थी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, अब यहाँ पर ट्विजर टॉप टाइप जैसी एक कैंडल बन रही है, यानी कि जितना डाउन था उतनी रिकवरी हो गई। मार्केट एक अच्छे लेवल पे खड़ी है, स्ट्रेंथ शो नहीं कर पा रही। ये 0.34 का पंप मुझे कोई एक्यूरेट नहीं दिखाई दे रहा। सुबह के वक्त हमने क्या देखा, मार्केट में अप ट्रेंड था एक डाउन शेडो के साथ, अच्छी चीज़ थी, लेकिन टॉप के ऊपर स्प्रिंग बुलिश कैंडल बन गई जो एक अच्छा साइन नहीं होता। मार्केट उसके बाद अक्सर डाउन कर जाती है। तो डाउन के लिए हम देख रहे हैं कि 4 आवर की नई कैंडल जो है वो मार्केट में थोड़ा सा क्रैश कर रही है। शेडो फिर भी उसका अपर साइड पे ओपन है। सो हम इसका वेट करेंगे। नेक्स्ट इन 12 घंटों में से अगले 3 घंटे बड़े अहम है, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन से पहले मार्केट को हर सूरत 1610, 1620 पे 30 मिनट की रेजिस्टेंस बनानी होगी। नहीं बनाती मार्केट नीचे आएगी। और 1560 इसकी सपोर्ट है जो इसे सेव रखे हुए है। 1560 की इसकी सपोर्ट टूटती है, मार्केट 1520 का लो लगाएगी। पंप एंड डंप किसी भी वक्त ऑन हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिएगा लो पे ट्रेड करें। 1520, 1530 भी ओके रहेगा। और आपका एग्जिट लेवल क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एग्जिट लेवल आपका होगा 1575, 1575। इसके मुताबिक आप जो कॉइन यूज़ करेंगे वो है ENS, ETC, ये दो कॉइन आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं फिलहाल मौजूदा मार्केट में। एक और चीज़ कि क्रैश को अपनी आंखों में रखिएगा कि मार्केट में कब पंप एंड डंप आए और आप इसे यूटिलाइज कर सकें। लोअर और अपर को आपने ज़रूर फॉलो करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।